नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 को हफ्ते भर का समय रह गया है, लेकिन इससे पहले कोरोना का साया सामने आ गया है। श्रीलंका के दो खिलाड़ियों को कथित रूप से कोविड पॉजिटिव पाया गया। कोविड-19 का कहर खत्म होने के क्रिकेट से भी सभी प्रोटोकॉल हटा दिए गए थे, जिसके बाद सामान्य रूप से खेल शुरू हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में होने वाले इस बड़े आयोजन से पहले कोविड का खतरा सामने आ गया है। श्रीलंकाई जर्नलिस्ट धनुष्का अरविंदा की एक रिपोर्ट के अनुसार सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो और टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल परेरा ने कोविड पॉजिटिव पाया गया है। दोनों खिलाड़ियों को एशिया कप 2023 शुरू होने से पहले कोविड टेस्ट कराया गया था। ऐसा पहली बार नहीं कि श्रीलंका टीम के खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फर्नांडो और परेरा को ही पहले भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। पिछले साल श्रीलंका और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज से पहले फरवरी में फर्नांडो को कोरोना परीक्षण कराया गया था, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक दिए जाने के बाद भी वह संक्रमित पाए गए थे। वहीं कुशल परेरा भी साल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज में पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इस बार हाइब्रिड मॉडल में होने जाने एशिया कप के मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। श्रीलंका टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 31 अगस्त से करेगा। टीम का पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। अब आपको क्या लगता है, एशिया कप में कोरोना के कारण खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।